भारत के हिमा दास ने फिनलैंड के टेम्परे में जारी IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप की महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में गोल्ड जीतकर इतिहास रचा है। आपको सुनकर खुशी होगी और सीना फक्र से चौड़ा हो जाएगा। हिमा दास ने इस उपलब्धि के साथ उस सूखे को भी खत्म कर दिया जो भारत के लेजेंड मिल्खा सिंह और PT उषा भी नहीं कर पाए थे। बता दें कि हिमा दास से पहले भारत की कोई महिला या पुरुष खिलाड़ी जूनियर या सीनियर किसी भी स्तर पर विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड या कोई भी मेडल नहीं जीता है। हिमा दास से पहले सबसे अच्छा प्रदर्शन मिल्खा सिंह और PT उषा का रहा था। PT उषा ने जहां 1984 ओलंपिक में 400 मीटर हर्डल रेस में चौथा स्थान हासिल किया था, तो मिल्खा सिंह ने 1960 रोम ओलंपिक में 400 मीटर रेस में चौथे स्थान पर रहे थे। हिमा ने राटिना स्टेडियम में खेले गए फाइनल में 51.46 सेकंड का समय निकालते हुए जीत हासिल की। इसी के साथ वो इस चैंपियनशिप में सभी आयु वर्गों में स्वर्ण जीतने वाली भारत की पहली महिला बन गई है। पहले दौर की हीट में भी 52.25 समय के साथ वो पहले स्थान पर रही। GSN न्यूज के लिए तरुण फोर की रिपोर्ट।